हम फिर से बायोलॉजी पढ़ाने आ गए हैं बच्चों। और पिछले क्लास में आप लोग देख रहे थे कि हमने जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर था वो शुरू किया था, चैप्टर 5, जिसमें हमने मेंडल्स के नियम के बाद जो उसे संबंधित था, मेंडल से दूसरा अलग था, हमने अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर फोकस किया था। मेंडल साहब का जो तीनों सिद्धांत है, प्रभाविता का नियम, बीज संयोजन का नियम, स्वतंत्र अपीवन का नियम, इस पर हमने चर्चा की थी। और उसके बाद हमने वंशानुगति का जो क्रोमोसोमल सिद्धांत है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन और बोवेरी के द्वारा, इस पर मैंने चर्चा किया था। और उस कड़ी में फिर हमने सहलग्नता और पुनर्योजन पर भी फोकस डाला था। आज हम लोग अभी कुछ टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, जैसे आपका कोडोमिनेंस, ठीक है। कोडोमिनेंस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, आप पढ़े हुएगा, इसे हम लोग कहते हैं सह प्रभाविता हिंदी में कहते हैं। ये टॉपिक अभी हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, दो चीज नया जो है वो पहले नहीं था लेकिन नया सिलेबस में आ गया है। एक है बाबू प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी, और एक तीसरा यहां आ गया है ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। ये पढ़ने के बाद तब हम लोग चलेंगे, उस दिन हम लिखे होंगे जेनेटिक डिसऑर्डर, अनुवांशिक विकार। तो अनुवांशिक विकार हमने बताया था दो तरह का होता है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इतना पढ़ने बाद हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कोडोमिनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम कोडोमिनेंस पढ़ने के पहले, यानी कि हमारा टॉपिक अभी है सह प्रभाविता, सह प्रभाविता। तो इस सह प्रभाविता पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा फिर से चलेंगे मेंडल साहब के पास। और इसके पहले जो दो तरह के हमने क्रॉसेस देखा, चाहे मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डायहाइब्रिड क्रॉस या अपूर्ण प्रभाविता, तो ध्यान दीजिए मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा था। सर एक मिनट, सह प्रभाविता में पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग मेंडल साहब पर फोकस डाले, मेंडल साहब एक्सपेरिमेंट में। तो मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, ठीक है बच्चों, तो मेंडल साहब मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, देखिए कि एक पौधा लंबा, दूसरा बौना है, एक पैरेंट लंबा वाला लिया गया, दूसरा पैरेंट बौना है, सारे के सारे जो F1 प्रोटीन है सारे कैसा मिले, लंबा, सिर्फ एक जनक का लक्षण आया। डायहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या देख रहे हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस में एक लंबा पौधा लिया गया लाल फूल वाला, और एक लिया गया बौना पौधा सफेद फूल वाला। तो जो F1 पीढ़ी के जो भी पौधे हैं वो सारे के सारे कैसा है, लंबा है और लाल है, यानी कि नर जनक का ही लक्षण सो पा रहा है, चाहे मोनोहाइब्रिड में या डायहाइब्रिड में, माता जनक का नहीं आ पाया, यानी दो तरह के जो जनक लिया गया क्रॉस कराया गया, F1 में सारे पौधे सिर्फ एक जनक के लक्षण सो कर पाए। अब हम बात करते हैं अपूर्ण प्रभाविता की। तो आप लोग उस दिन पढ़ाए होंगे, याद होगा कि अपूर्ण प्रभाविता में हम मिराबिली जलापा एसना ड्रैगन फ्लावर जो था उसका एग्जाम्पल लिया, उसमें एक वैरायटी रेड वाला लिया गया था, क्रॉस कराया गया था व्हाइट वाले के साथ। तो जो F1 पीढ़ी मिला, वह F1 पीढ़ी के जो संतति मिले अपूर्ण प्रभाविता में, वो ना ही मेल पैरेंट जैसे हुए ना ही फीमेल जैसे हुए, ये दोनों के इंटरमीडिएट, ना ये लाल हुआ ना सफेद हुआ, ये सारा गुलाबी हो गया, ना नर जनक का लक्षण आया ना मादा जनक का लक्षण आया, ये लक्षण दोनों के बीच बीच वाला आ गया, ठीक है। तो सह प्रभाविता जो है बाबू, ये दोनों से हट के है। सह प्रभाविता एक ऐसा घटना है जिसमें जो F1 पुंजीनी मिलते हैं, जब हम दो डिफरेंट लक्षण वाले पैरेंट के बीच क्रॉस कराते हैं, तो जो F1 पुंजीनी होते हैं उसमें दोनों के लक्षण आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें दोनों ही अलील प्रभावी होते हैं, दोनों का ही लक्षण आ पाता है। नाम यह सह प्रभाविता, सह, ठीक है, साथ साथ प्रभावी, यानी कि सह प्रभाविता एक ऐसी घटना है जिसमें जब दो
अलग अलग लक्षण वाले पौधा के बीच क्रॉस कराया जाता है तो जो F1 संतति मिलता है, प्रथम पीढ़ी के जो संतति मिलते हैं उनमें दोनों ही जनक के लक्षण मौजूद रहते हैं, नर वाला का भी मादा वाला का। जबकि ऐसा चीज मेंडल साहब के स्क्रीन पर नहीं देखने को मिला और पूर्ण प्रभावित नहीं मिला, यानी कि वैसा क्रॉस जिसमें जो F1 पीढ़ी के संतति प्राप्त होते हैं वो उसमें नर और मादा दोनों ही संतति का लक्षण मौजूद हो, जब ऐसा घटना होता है इसे कहते हैं शक प्रभाविता। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आया होगा, फिर आप एक बार बुक जरूर से पढ़िए और क्लियर होगा, दिक्कत हो तो कमेंट लिखिए बताइए। आगे बाबू शक प्रभाविता के बाद अब ये हो गया शक प्रभाविता, कह रहा है कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो मानव का रक्त समूह है, मानव का रक्त समूह यानी कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप या रक्त समूह, तो आप लोग नाम सुनेंगे ना ब्लड ग्रुप का, जैसे हम लोग कहते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप बी है, मेरे पिताजी का ब्लड ग्रुप भी बी है, मेरे घर में सबका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है या बी निगेटिव है, कुछ घर में ए ब्लड ग्रुप वाले लोग रहते हैं, कहीं वो किनका ब्लड ग्रुप होता है, किनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। तो कह रहा है कि जो ब्लड ग्रुप को मानव में रक्त समूह या ब्लड ग्रुप को जो निर्धारित करने वाला जो जो ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है या जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाला जीन होता है वो शक प्रभाविता को प्रदर्शित करता है। तो कैसे उसको थोड़ा हम देखेंगे। तो कह रहा है कि आप जानते हैं कि हमारे रक्त में तीन तरह के कोशिका होते हैं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या प्लेटलेट्स। तो कह रहे हैं कि जो आरबीसी कोशिका होता है मानव में, तो आरबीसी सपोज ये मान लिया कि आरबीसी सेल है, तो इसके सेल सरफेस मतलब लाल रक्त कोशिका के कोशिका सतह से निकले हुए शुगर के खास तरह के पॉलीसैकेराइड, शुगर के पॉलीसैकेराइड निकले जाते हैं। फिर से आरबीसी सेल है कहां पाया जाता है, ब्लड में, ब्लड का कंपोनेंट लाल रक्त कोशिका, उसके कोशिका के सतह से निकले हुए खास तरह के पॉलीसैकेराइड या कह सकते हैं उभार होते हैं, खास तरह के शुगर के उभार होते हैं। ठीक है, कहना यह जो लक्षण है आरबीसी का, इसका निर्धारण एक खास तरह के जीन से होता है, ठीक, जिसे हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब कह रहा है कि इस कैपिटल आई जीन के तीन अलील देखे गए हैं या पाए जाते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, या इसे आईओ से भी डिनोट किया जाता है, मतलब तीन अलील हो है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, या उसी को हम आईओ भी कहते हैं। ये जो जीन आई है ये तीन अलील है, ये कैसा जीन है, वह जीन है जो लाल रक्त कोशिका के सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या कोशिका के सतह से निकले हुए शर्करा के उभार होते हैं, इसको कंट्रोल करने वाला ये जीन आई है, इसके तीन अलील है। तो ये जीन हो गया और ये क्या हो गया, जीन के तीन अलील। कल भी हम बताए होंगे या इसके पहले क्लास में या पहले से आप लोग सुने होंगे, अलील क्या होता है, अलील को कैसे डिफाइन किया जाता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेल जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑन ए होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, मतलब एक जीन के विभिन्न रूप जो समजात गुणसूत्र के एक सेम पोजीशन पर है। फिर से सुना जाए इसको, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस, लोकस मतलब पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम पे, इसको हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्रोमोसोम है समजात गुणसूत्र, तो इसमें ये वो यहां है अलील, दूसरा अलील यहां, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन एक ही जीन के विभिन्न रूप जो समजात गुण के समान स्थान पर मौजूद रहते हैं। तो ये जीन आई के तीन अलील हो गए, आई ए, आई बी, आई या टी। अब कह रहा है कि अगर ये जो अलील है इसमें अगर इस जीन इस अलील का पेयर हो, अगर आई आई का पेयर हो, या आप कह सकते हैं ऐसे कि यह जो अलील है इससे कुछ अलग टाइप का यहाँ शर्करा का उभार बनेगा, ये जो पॉलीमर निकल रहा है यहाँ पॉलीसैकेराइड,
वो कुछ अलग टाइप का होगा, या इसके कोशिका की सतह से कुछ अलग टाइप का एक सुगर का पॉलीमर बनाएगा, कौन वाला अलग, आई ए वाला, बी वाला, ये भी कुछ अलग टाइप का बनाएगा, ठीक है। लेकिन यह जो कह रहा है ये किसी टाइप का नहीं बनाएगा, ये उदासीन या न्यूट्रल, आइए से कुछ अलग टाइप का यहाँ सर्करा का पॉलीमर निकलेगा या उभार इसके कोशिका सतह से, क्या है आरबीसी का कोशिका है, आइए से कुछ अलग टाइप का, आईवी वाला जो अलील है इसे कुछ अलग टाइप का निकलेगा, बट ये जो आप स्मॉल आई या आईयू है जो थर्ड अलील है ये न्यूट्रल होता है, उदासीन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे किस तरह का कोई अलग टाइप का यहाँ अलील ये पॉलीसेकेराइड या सर्करा का पॉलीमर यहाँ से नहीं निकलेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इस तीन अलील के चलते, ठीक है, ये जो तीन अलग अलग अलील हम लिखे इसके चलते पृथ्वी पर मौजूद समस्त मानव, इस पूरी पृथ्वी पर जो प्लेनेट है हमारा अर्थ, इस प्लेनेट पर जितने लोग हैं मानव, ह्यूमन बींग्स, आई एम डीलिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, हम मानव के बारे में बात कर रहे हैं, इसी तीन अलील के चलते उनमें कोई ना कोई ब्लड में पाया जाता है, और इस तीन अलील के चलते छह तरह का जीनोटाइप देखने को मिलता है मानव, छह तरह का जीनोटाइप, कौन कौन बाबू, इसको हम बांट सकते हैं आई ए, आई ए, और जब ए वाला अलील जुड़ा होगा जिस व्यक्ति में, पृथ्वी पर मौजूद किसी व्यक्ति में, उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई ए आई ओ, अगर ऐसा पाया जा रहा है तो इससे भी आपका ब्लड ग्रुप ए ही होगा, काहे ये होगा, क्योंकि ये यहाँ क्या है, डोमिनेंट है, यहाँ रिसेसिव है, मतलब न्यूट्रल है, उदासीन है, ये जो भी होगा बदलाव इसी के चलते होगा, ठीक है। उसके बाद लाइकवाइज आईबी आईबी होगा तो भी तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, बी, फिर आईबी आईओ होगा ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, बी। उसके बाद यहां हम देख लेते हैं चार यहां हो गया, उसके बाद अगर आप कह रहा है कि अगर आई ए आई बी एक साथ आ जाए दो अलील तब क्या होगा, यहां तो हम देख रहे थे आई आई था तो ए बना, आई ए आई यू था तो ए बना, आई डी आई तो बी, आई बी आई यू तो बी, अगर अगर दोनों दो अलग अलग डिफरेंट अलील अगर ये दोनों एक साथ किसी व्यक्ति में पाया गया तब क्या होगा, तो ये कह रहा है कि दोनों ही यहां डोमिनेंट है, ये अपने आप में दोनों ही डोमिनेंट है, बात समझ में आया, ये जो दोनों डोमिनेंट है ये भी अभी अपने आप में डोमिनेंट है, ये भी अपने आप में डोमिनेंट है, इस डोमिनेंसी के चलते दोनों तरह का लक्षण यानी कि दोनों तरह का सुगर पॉलीसेकेराइड यहां बनेगा और दोनों तरह के भी ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे, मतलब ये दोनों ही इस दोनों अलील के चलते जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ए बी वाला बनेगा, यानी कि यहाँ ए बी ए वाला अलील भी बनवाएंगे और जब ये अलील का पेयर पाया जाएगा किसी व्यक्ति में तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ए बी वाला हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझिए, अब सिंपल सा बात है कि जैसे हमारे परिवार में क्या होता है, आप देखिएगा कुछ परिवार में हमारे यहाँ आजकल ऐसे मैक्सिमम परिवार में घर की मालिक कौन होती है, मम्मी, कुछ परिवार है जहां पापा मालिक होते हैं, ठीक है, तो जहां मम्मी मालिक है वहां पापा का नहीं चलता है, जहां पापा मालिक वहां मम्मी का नहीं चलता है, बट कुछ ऐसे भी परिवार हैं हमारे यहाँ जहाँ पापा मालिक दोनों मालिक है, पापा और मम्मी दोनों मालिक है, मीन्स पापा का ना कहना मम्मी काटती है ना मम्मी का ना पापा काटते हैं, तो पापा मम्मी वाला परिवार बहुत कम है, यही चीज है, ये दोनों अपने आप में परिवार, पापा माना जाए मम्मी तो दोनों का बात रखा जा रहा है, ये हो गया ए बी ग्रुप। तो कितने तरह का जीनोटाइप बना, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट ई अलील क्लियर, जब आईओ आईओ एक साथ रहेगा, या इसको हम ऐसे भी किताब में दिया होगा, अगर ऐसा जब रहेगा तो इसे आपका ब्लड ग्रुप ओ वाला हो गया। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पृथ्वी पर समस्त मानव मेष इसी में से कोई एक अलील का जोड़ा पाया जाता है जिसके चलते उसमें ब्लड ग्रुप अलग टाइप का पाया जाता है, यानी कि पृथ्वी पर जितने मानव हैं उनमें इसी जो छह तरह का जीनोटाइप बना, इसी छह जीनोटाइप में से कोई ना कोई जीनोटाइप पाया जाता है और तब उसमें उसके चलते वो ब्लड ग्रुप, बात समझ में आया। तो यहां जो ए बी ब्लड ग्रुप पाया जा रहा है ये आपका सह प्रभाविता का यानी कि को डोमिनेंस का
यह एग्जांपल हुआ, और ये कोडोमिनेंस के चलते, कोडोमिनेंसी के चलते आपका इनविलर ग्रुप देखने को मिल रहा है। बात थोड़ा थोड़ा समझ में आया? एक बार बाबू बुक अवश्य पढ़िए एनसीईआरटी, और फिर आप दिक्कत फिर बोलिएगा इनविलर ग्रुप क्यों बना ड्यू टू कोडोमिनेंस। एग्जाम्पल हो ठीक है, आपके परीक्षा में यह प्रश्न 5 नंबर में भी आ सकता है बिहार बोर्ड। ठीक है, अगर 5 नंबर में आ जाएगा तो शब और अंत का परिभाषा देना पड़ेगा, जितना बात समझा लिखना पड़ेगा और ये लिख कर बताना पड़ेगा। अगर प्रश्न आ जाए सिर्फ 2 नंबर में तो बस उसका डिफिनेशन दे जाइए। शब और अंत एक अच्छा ऐसा लक्षण है जिसमें जब दो डिफरेंट टाइप के पैरेंट के बीच क्रॉस कराया जाता है तो पुरजीनी मिलता है, उसमें दोनों पैरेंट के लक्षण मौजूद रहते हैं। इसका एग्जांपल मानो रक्षक को कंट्रोल करने वाला जीन, मानव ब्लड को नियंत्रित करने वाला जीन का एग्जांपल हो जाएगा। अब बाबू एक और यहाँ आप सहप्रवाहिता के साथ एक और भी जैसा है, आपको पढ़िएगा एनसीईआरटी पे लिखा होगा बहु अलीलता, वो क्या होता है या मल्टीपल एलीलिज। तो बहु माने अनेक, अलीलता अलील, तो कह रहा है कि जब किसी जीन के एक से 2 से अधिक अलील हो, या मोर देन हाँ मतलब 2 से अधिक अलील हो, 2 से ज्यादा क्या है 3 तरह का अलील है, तो जब किसी जीन के 2 से अधिक अलील हो तो उसको क्या कहा जाता है बहु अलीलता। तो बहु अलीलता का भी अच्छा उदाहरण क्या माना जाएगा मेंबर। लेकिन अब यहां एक खास बात, ये सारा अलील तो एक ही व्यक्ति में नहीं मिलेगा, बहु अलीलता का भी अच्छा उदाहरण क्या माना जाएगा मानव ब्लड ग्रुप ही माना जाएगा उसको नियंत्रित करने वाला जीन। तो बहुअलीलता का एग्जांपल एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्यों भाई? तो एक से अधिक अलील है, तो तीनों अलील देख रहे हैं आप, जो 6 तरह के बहु जीनोटाइप हुआ पृथ्वी पर मौजूद समस्त मानव में, उसमें ऐसा कोई है जिसमें तीनों अलील आ गया हो? नहीं आया ना। तो ये 3 अलील एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, तो क्या होगा एक अलग अलग व्यक्ति में हो सकता है। तो हम बहुअलीलता को अगर अध्ययन करेंगे देखना चाहते हैं या बहुलता देखने को कहा मिलेगा उसके लिए अध्ययन करेंगे तो पॉपुलेशन जनसंख्या में पाया जाएगा, किसी खास व्यक्ति को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये आपका रहा सहप्रवाहिता। तो आप एक बार जरूर से बुक पढ़िए, आप प्रयास कीजिए आपके पास एनसीईआरटी जरूर हो, और हिंदी या इंग्लिश में नहीं तो जो भी बुक हो आप उसको पढ़िए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, पहले के एनसीईआरटी में 2 साल पहले तक सिलेबस में नहीं था, अब हम लोग नया चीज़ देख रहे हैं इधर ऐड किया है कोडोमिनेंस के बाद। एक है प्लियोटॉपी और दूसरा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको हम लोग देख लेंगे। 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्लियोटॉपी क्या होता है? प्लियोटॉपी में क्या होगा कि कह रहा है कि प्लियोटॉपिक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक सिंगल जीन और एक जीन किसी जीव के 2 या 2 से अधिक लक्षण को निर्धारित करता है। मतलब कि व्हेन ए सिंगल जीन रेगुलेट्स 2 or more फिनोटाइपिक कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म द कंडीशन इज कॉल्ड प्लियोटॉपी। व्हेन ए सिंगल जीन रेगुलेट्स और कंट्रोल 2 or more than 2 phenotypic character in an organism, या in an organism तो क्या कहेंगे? In an organism तो उसको कहा जाएगा क्या? Pleiotropy। मतलब जब एक जीन किसी एकल जीन के द्वारा किसी जीव के 2 या 2 से अधिक लक्षण को निर्धारित किया जाता है तो उसे pleiotropy कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? pleiotropy कहेंगे। क्या प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपी का भाव माने हुआ कि एक सिंगल जीन, सिंगल मतलब एक, जीन मतलब जीन। अब जीन क्या होता है भाई? अनंत की तरह कहां पाया जाता है? डीएनए में। तो ये सिंगल जीन व्हेन मतलब जब व्हेन ए सिंगल जीन रेगुलेट्स, रेगुलेट मतलब When a single gene regulates, जब एकल जीन रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है क्या
मोर देन टू फिनोटिपिक कैरेक्टर बिनाइन ऑर्गन क्या कर रहा हूं कि जब एक सिंगल जीन किसी सजीव में एक से अधिक लक्षण को रेगुलेट करता है नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी वह कंडीशन है वह स्थिति है जिसमें एक ही जीन किसी जीव के दो या दो से अधिक लक्षण को मतलब दो से अधिक लक्षण को नियंत्रित करता है एक ही जीन। ऐसे लोग पढ़े क्या है आप कर सकते हैं मोर देन टू या मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा लक्षण। जनरली आपको मिलेगा कि जीन क्या होता है पढ़िएगा बुक में तो जीन हेरिडिटरी यूनिट होता है आनुवंशिक का। और जनरली एक जीन किसी सजीव में खास लक्षण को निर्धारित करता है एक जीन के द्वारा एक जीव में एक खास लक्षण निर्धारित होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक जीन के द्वारा एक से अधिक हम जो मोर देन टू लिखे हैं ये एक से अधिक मतलब दो तीन इतना तरह का जो फिनोटिपिक लक्षण को निर्धारित किया जाता है इसे आप कह सकते हैं प्लियोट्रॉपी। इसका एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है आपके बुक में लिखा होगा मटर के बारे में कि मटर का साइज और मटर का जो स्टार्च का मात्रा मटर के बीच में पाया जाता है उसको कंट्रोल करने वाला उसमें लिखा होगा। आप इसको हमारे से देख सकते हैं मानव में एक बीमारी होता है फिनाइल पिटोनूरिया। फिनाइल पिटोनूरिया यह जो बीमारी है इस बारे में पढ़ना है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है आनुवांशिक बीमारी तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिनाइल पिटोनूरिया इस प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है। कैसे भाई तो जब जिस जीन के चलते यह बीमारी होता है जिस जीन के कमी के चलते फिनाइल पिटोनूरिया रोग हो जाता है ठीक है वह जीन वास्तव में मानव में कई तरह के फिनोटाइप को कंट्रोल करता है। जैसे ये तो पहला बात क्या होगा कि मेंटल रिटार्डेशन मानसिक रूप से जो व्यक्ति में बीमारी होगा वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा। दूसरा उसका जो स्किन का पिगमेंटेशन होगा या हेयर का पिगमेंटेशन ये कैसे कि आप कह सकते हैं आपके जो चमड़ा का जो त्वचा का रंग होगा या जो बाल का रंग होगा ये रंग भी क्या होता है ये रंग भी प्रभावित होता है वो पिगमेंट कम हो जाएगा। तो क्या हुआ एक लक्षण की मानसिक विकास अवरुद्ध होगा। दूसरा लक्षण स्किन का कलर या हेयर का कलर स्किन का पिगमेंट या हेयर का पिगमेंट वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये फिनाइल पिटोनूरिया कर सकते हैं बुक में देखिएगा तो मटर का साइज का दिया होगा कि तीन तरह का दिया होगा पीबी ऐसे करके एक ये एलील दिया होगा बुक में इसको समझने के लिए और एक ऐसे दिया होगा पहले ऐसे देख लें और एक ऐसे दिया होगा तीन तरह का मतलब एक अलील है मटर का साइज मटर के बीज का जो आकार या उसमें स्टार्च का कितना मात्रा है इसको जो जो जीन है कंट्रोल करने वाला उसके दी उसके दो अलील है कौन कौन अलील है एक अलील कैपिटल बी और एक स्मॉल बी है। एक कैसा अलील है एक कैपिटल बी और स्मॉल बी कैसा अलील है तो मटर के दाना का आकार और स्टार्च का मात्रा कितना होगा उसको गाइड करने वाला है। कहना है जब उसमें ऐसा वाला अलील पेड़ पाया जाता है तो बड़ा होता है स्टार्च का मात्रा भी ज्यादा होता है। जब ऐसा वाला अलील जोड़ा पाया जाता है स्मॉल बीबी वाला छोटा होता है और मटर का और उसमें स्टार्च का मात्रा कम होता है ये बड़ा साइज में स्टार्च का मात्रा ज्यादा ये छोटा स्टार्च का मात्रा भी कम। बट ऐसा वाला जब होता है तो मेंडल साहब के अनुसार क्या होना चाहिए कह रहा है कि इसमें ये साइज में छोटा हो गया ठीक है या पढ़िएगा कि इसमें क्या हो जाएगा साइज में इसके जैसा हो गया साइज नॉर्मल जैसे ये वाला है साइज में बड़ा तो साइज में बड़ा होगा तो उस हिसाब से कह सकते हैं ना कि हाँ बी वाला डोमिनेंट है प्रभावी है स्मॉल बी वाला साइज बड़ा है। लेकिन स्टार्च का मात्रा के हिसाब से भी यहां होना चाहिए वैसा लेकिन नहीं होता है ये बड़ा स्टार्च मात्रा ज्यादा छोटा स्टार्च मात्रा कम ये साइज में बड़ा मान लो ये दाना अगर ऐसा नहीं है
तो बड़ा है तो क्या इंडिकेट किया कि एस इडोगेन हो गया कैप्टन, ये स्मॉल भी ऋषि हो गया, प्रभावी हो गया, प्रभावी हो गया, तो स्टार्स का मात्रा भी तो ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टार्स का मात्रा न ज्यादा होता है इसके जैसा, न कम होता है इसके जैसा, बीच का हो जाता है। स्टार्स में इसमें जो स्टार्स का मात्रा होगा वो न इसके जैसा क्या होगा, ज्यादा होगा, इसके जैसा कम, ये बीच का होगा। तो ये आपका प्लियोट्रोपी का अच्छा उदाहरण है। प्लियोट्रोपी सिंगल, मतलब प्लियोट्रोपी का मतलब सिंपल क्या हुआ कि जब एक जीन किसी जीव के एक से अधिक लक्षण को एक साथ नियंत्रित करता हो, जब एक जीन के द्वारा किसी जीव के एक से अधिक लक्षण को नियंत्रित किया जाता हो, ऐसे घटना को प्लियोट्रोपी कहते हैं। बस इसका एग्जांपल फिनाइल कीटोनुरिया बीमारी मानव हो सकता है, या मटर का एग्जांपल आप देखिएगा। ये इसके बारे में समझाया गया होगा जब कोडोमिनेंस बाउ पढ़ लीजिएगा ना, तो कोडोमिनेंस पढ़ाने में जो पेज है वो टर्न कीजिएगा तो ऊपर वाला लिखा होगा मल्टीपल एलील, बहुएलील, और उसी के ठीक नीचे जो कॉलम है वो समझाया गया होगा इसके बारे में। ठीक बात, ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ये ठीक उल्टा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, अब ध्यान दीजिए। यहां है पॉली, पॉली माने मेन, जेनिक माने जीन, इनहेरिटेंस माने वंशानुगत होना। कह रहा है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कह रहा है कि जब एक से अधिक जीन या जीन का समूह मिल करके किसी एक लक्षण को निर्धारित करते हो तो उसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यहां क्या था, एक जीन बहुत सारा लक्षण निर्धारित करता है, यहां ठीक उल्टा, यहां क्या है मोर जीन, मोर जीन। मोर जीन का मतलब क्या हुआ, मोर देन वन। जनरली आप पढ़िएगा कि जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं और एक जीन के द्वारा सजीव में एक ही लक्षण को निर्धारित किया जाता है। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, विशेष घटना है इसमें एक जीन के द्वारा बहुत सारे लक्षण को निर्धारित किया जाता है, और कुछ ऐसे भी लक्षण है एक लक्षण जिसको निर्धारित बहुत सारे जीन मिलकर करते हैं, बहुत सारे जीन मिलकर के किसी एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। तो मोर जीन, व्हेन मोर जीन या मोर देन वन रेगुलेट्स, मतलब नियंत्रित करना, या बहुत सारे जीन मिलकर के नियंत्रित करता हूं क्या, व्हेन मोर जीन रेगुलेट्स ए सिंगल, मतलब एक फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब बायगत, जब बहुत सारा जीन मिलकर के एक लक्षण को रेगुलेट करते हो तो उसे कहा जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं वुमेन हाइट, मानव का लंबाई, मानव का स्किन कलर कैसे। तो आप देखिएगा, मान लो कि कोई खास जीन है हाइट को जो रेगुलेट करता है, उसके बहुत सारे एलील हैं। तो अब कुछ जीन है उसके चलते कुछ जीन का खास एलील एक साथ रहेगा तो बड़ा हाइट होगा, जैसे लोग कुछ लोग 6.5 फुट के होते हैं, 7 फुट के हो जाते हैं। और मान लो कि उसी डोमिनेंट एलील का पेयर है तो बड़ा हाइट हो गया, रिसेसिव एलील का पेयर रहेगा यानी कि आप कह सकते हो कि अप्रभावी एलील का पेयर रहेगा छोटा आदमी हो जाएगा। तो क्या पृथ्वी पर सिर्फ बड़ा लोग ही पाया जाता है और सिर्फ छोटा लोग ही पाया जाता है, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ ऐसा थोड़ा है कि कुछ लोग 3.5 फुट के पाए जाते हैं, कुछ लोग 6.5 फुट के पाए, ऐसा नहीं। इंटरमीडिएट वाले मिलते हैं ना, बीच वाले भी होते हैं ना, 5.5 फुट हाइट वाले भी होते हैं, 5 फुट हाइट वाले भी होते हैं। तो हाइट जो कंट्रोल होता है मानव में वो एक जीन के द्वारा नहीं होता है, बहुत सारे जीन मिलकर के मानव में हाइट को कंट्रोल करें, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो जाता है। लाइक वाइज स्किन कलर देखिए, मानव में कुछ लोग काफ़ी सांवले होते हैं, कुछ लोग काफ़ी गोरे होते हैं, और कुछ लोग बीच वाले होते हैं ना, गांव में कहा जाता है 30 फुट कलर। ठीक है, बहुत सारे कलर में बांटा गया है इसको। तो ह्यूमन स्किन कलर इसका बेस्ट एग्जाम्पल किया जाए, माना जाएगा किसका, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ह्यूमन स्किन कलर या हाइट को इंडिकेट करने वाला, हाइट को रेगुलेट करने वाला जीन।
अच्छा देखिएगा कि ह्यूमन स्किन बहुत सारे जीन मिलकर ह्यूमन स्किन कलर को निर्धारित करते हैं। जैसे तीन तरह के जीन होते हैं जो ह्यूमन स्किन कलर को निर्धारित करते हैं। जैसे कैपिटल ए है एक अलग जीन, कैपिटल बी है, कैपिटल सी। अब ये तीन अलग अलग जीन है, एलील नहीं है, ये तीन अलग जीन मिलकर के ह्यूमन स्किन कलर को निर्धारित करते हैं। अब कह रहा है कि जैसे इसमें अगर ये इस तरह का सारे डोमिनेंट एलील का पेयर एक साथ हो, तो मान लो वो व्यक्ति डार्क कलर का, डार्केस्ट कलर माने ब्लैकिश कलर कहेंगे इसको, डार्केस्ट, डार्क नहीं, डार्केस्ट माने उससे काला कोई नहीं हो सकता। फिर मान लिया जाए इसी का जब रिसेसिव पेयर हो, इसको कहा जाएगा वो लाइटेस्ट कलर का हो गया, मतलब गांव में कहा दुधिया गोरा, वही गोरा हो गया। लेकिन इसी में जब ऐसा होगा तब क्या हो जाएगा, मिडिल वाला हो जाएगा ना, किसी फूल गोरा ही हो जाएगा। ह्यूमन स्किन कलर पॉलिजेनिक डिफरेंस, उम्मीद है कि आपको पढ़िएगा समझ में आएगा। ये प्रश्न आपसे दो नंबर में पूछे जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार आए, बिहार बोर्ड भी पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे तो आपके आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी ये जरूरी है। आराम से है, मतलब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। पॉली मतलब नहीं, जिन मतलब जी, बहुत सारे जीन मिलकर के जब एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, इसका उदाहरण मानव का त्वचा का रंग हो जाएगा, उसको निर्धारित करने वाले जीन बहुत सारे जीन, और ये हाइट को, प्लियोट्रॉपी या एक जीन एक से अधिक को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। तो ये था जेनेटिक डिसऑर्डर के पहले वाला टर्म, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। हम फिर कह रहे हैं कि आप लोग बुक पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा आप पूछिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम शुरू करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में उसे हम बताए होंगे कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जो आनुवांशिक विकार वाले होते हैं, उसको दो पार्ट में बांट दिया जाता है। एक को कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन विकार, और दूसरे कहते हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्रीय विकार। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर का है कहा गया भाई, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर इसलिए कहा गया कि वैसे विकार जो मेंडल साहब के रूल को फॉलो करते हैं, मेंडल साहब के सिद्धांत के अनुसार वंशानुगत होते हैं, ठीक है। और ये जो आपका है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर का मतलब हुआ गुणसूत्रीय विकार, जो क्या करता है, जो क्रोमोजोम आप जानते हैं ना 23 पेयर्स पाए जाते हैं, टाइप 23 होता है। अब उस 23 पेयर में आप पहले से पता होगा कि जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है उसे ऑटोजोम कहते हैं, जिससे हमारा बॉडी निर्धारित होता है, हमारा बॉडी बनता है कितना से 22 जोड़ा से, उसे ऑटोजोम कहा जाता है, हमारी बॉडी के लक्षण को या बॉडी को निर्धारित करते हैं। और वन पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है, जो हमारे बॉडी में जो जो कि सजीव के सेक्स को निर्धारित करता है, ठीक है। तो मानव मादा का अगर बात करें तो उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स एक्स का पेयर होता है, और नर का बात करें तो एक्स वाई, पहले से आप जानते हैं, टेंथ में पढ़ना होगा। कह रहे हैं कि मानव के जो जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड का बना होता है, पता है ना दो क्रोमेटिड होते हैं क्रोमोसोम में, और एक खास पॉइंट पर जुड़े होते हैं, इसको क्या कहता है, सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम। तो प्रत्येक क्रोमोसोम में क्या होना चाहिए, दो ही क्रोमेटिड होना चाहिए ना, क्योंकि दो क्रोमेटिड बना ही होता है। अब कह रहा है किसी कारण से उसमें एक क्रोमेटिड बढ़ गया, ठीक है, एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड ब्रेक हो गया, या किसी कारण से ब्रेक हो गया, टूट गया, नहीं डेवलप हुआ, इन सबके जो चलते जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या रहा बाबू, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे कि आपका जो आप लोग बीच में गैप हो गया था ना ज्यादा, थोड़ा उससे भी आपको कंट्रोल हो जाएगा और हमको भी संतुष्टि हो जाएगी कि हमारे शरीर को थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। मेंडेलियन डिसऑर्डर,
और दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब इसमें जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है आपके बुक में, मेंडेलियन डिसऑर्डर कई तरह के बताए गए हैं। सबसे पहले जैसे मिलेगा आपके बुक में कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस इसे कहते हैं वर्ण अंधता, वह कंडीशन जिसमें मानो एक ऐसा मानसिक विकार, एक ऐसा मानसिक बीमारी जिसे मानो इसमें किसमें हरा और नीला। अब देखिए हरा नीला कि लाल नीला, अब बुक में देखिए तो क्या होता है जनरली ब्लू और ग्रीन के बीच, वह कंडीशन जिसमें मानो खास रंगों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं होता, उसको समझ नहीं पाता है कि वो कौन सा रंग है ब्लू और ग्रीन। तो वर्ण अंधता बोलते हैं, वर्ण मतलब होता है कलर, उससे ब्लाइंड हो जाना, कलर ब्लाइंडनेस। और दूसरा आपको मिलेगा बुक में हीमोफीलिया, ये हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है जिसके चलते जो ये इस रोग से ग्रसित है उनके शरीर कहीं कट जाए, घाव हो जाए, तो ब्लड का निकलना बंद ही नहीं होता है। देखे ना, हम लोग कहीं कट जाता है तो हम लोग दाब देते हैं, थोड़ा देर ब्लड क्लॉट कर गया, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। बट ये जब ये इस बीमारी से कोई सफर करेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा भी कहीं चोट लगेगा, कटेगा, तो ब्लड का निकलना बंद ही नहीं होता और अंततः वो आदमी गायब हो जाएगा। तो ये हो गया आपका हीमोफीलिया, ये भी आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर में आता है। तीसरा जो आप लोगों को पढ़ना है इसके बाद, ये है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं हिंदी में दाह कोशिका अरक्तता। इसमें आपका आरबीसी का सेल जो है, आरबीसी सेल उसका साइज सिर्फ कैसा होता है, द्वि अवतल, बाई कनकेव शेप होता है। इस बीमारी में जो लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, इस आनुवांशिक बीमारी से, उनके लाल कोशिका का जो शेप होता है वो द्वि अवतल ना करके हंसिया आकार हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हंसिया आकार हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। आरबीसी का मुख्य काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, तो ऑक्सीजन वो कम कैरी करेगा जिससे प्रॉब्लम होने का। चौथा बीमारी दिया होगा आपके बुक में इसके बाद, फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया। अब एक और बीमारी बढ़ा दिया है, पहले नहीं था, नया सिलेबस में ऐड हो गया, आपको ध्यान दीजिएगा, थैलेसीमिया। फिनाइल कीटोनूरिया भी बीमारी है, थैलेसीमिया भी बीमारी है, सारे अनुवांशिक बीमारी। फिनाइल कीटोनूरिया है ये खास तरह के अमीनो अम्ल से संबंधित है, खास तरह के अमीनो अम्ल बन जाते हैं बॉडी में एक खास एंजाइम की कमी से, और थैलेसीमिया भी ब्लड से रिलेटेड बीमारी है, ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है सिकल सेल एनीमिया से। अब ध्यान देंगे हम लोग, ये जो ऊपर वाला बीमारी है, ये दो मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस का बात कर रहा हूँ, हीमोफीलिया, ये दोनों, ये इसे कहेंगे सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। क्या कहेंगे, सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, हिंदी में इसको क्या कह देंगे, लिंग सहलग्न अप्रभावी लक्षण। क्या कहेंगे बाबू इसको, जो कलर ब्लाइंडनेस बीमारी है, हीमोफीलिया बीमारी है, ये दोनों क्या है, दोनों कहा जाता है लिंग सहलग्न अप्रभावी लक्षण, प्रभावी नहीं अप्रभावी। ठीक है, सेक्स लिंक यानी कि ये सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित होगा, तो सेक्स क्रोमोसोम तो ही तरह के होते हैं मानव में, एक्स टाइप वाला या वाई टाइप वाला, उसी से संबंधित है। और ये जो बाकी तीनों का हम बात कर रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया या थैलेसीमिया, ये आपको ऑटोजोम लिंक रिसेसिव डिजीज। मतलब ये अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी लक्षण है,
ये लिंग सहलग्न अपराधी लक्षण है, सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, पढ़ा रहा है ये सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, लिंग सहलग्न अपराधी लक्षण। ये अलिंग, अलिंग यहां हो गया अलिंग लिंग सूत्र, जो लिंग को निर्धारित नहीं करता हो, अलिंग सहलग्न अपराधी लक्षण, ठीक है। ये इतना आपको, अब यहां से आपको व्यक्ति में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ये जो पांच तरह के डिसऑर्डर दिए गए हैं इसमें से कौन सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, अब मान लो यहां से एक दे दे और बाकी चार दे दे, मतलब ये तीन दे दे और इसमें से कोई एक दे दे और इसमें ये तीनों दे दे, तो यहां से नीचे तीनों और इसमें से कोई एक, कहे कि सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज को निर्धारित कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, अब मान लो कि दो ये और दे दे और इक्कीस एक इसमें से कोई डिजीज दे दे और चौथा चॉइस दे दे नाम आप दीजिए, कहे कि सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज निकाल, या कहे कि दो ये दे दे इसमें से एक दे दे और कहे कि ऑटोजोम लिंक रिसेसिव डिजीज निकाल, बताइए, तो ये हो जाएगा जो रहेगा, ठीक। अब इसी को हम लोग वन बाय वन पढ़ते, यहां तक किसी को दिक्कत, ध्यान दीजिए, कलर ब्राइटनेस में क्लियर, सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज हुआ, लिंग सहलग यानी एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ होगा, अब बाकी जो है तीनों सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल केटोनुरिया या थैलेसीमिया बीमारी, अलिंग सहलग ना प्रभावित लक्षण हुआ यानी कि अलिंग लिंग सूत्र से जुड़ा हुआ है, लिंग गुण, ठीक। तो अब हम लोग कलर ब्लाइंडनेस का बात करते हैं, तो देखिए जैसा कि ध्यान दीजिएगा कि जैसे कलर ब्लाइंडनेस है ना, जैसे कलर ब्लाइंडनेस इनहेरिट होता है, वंशानुगत होता है, ठीक वैसे ही है मतलब लिया। अब यहाँ दो चीज अगर हम ध्यान दे दें तो समझ, इसको मिटा देते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं, जो थोड़ा सा हम यहाँ ध्यान देंगे कि अब देखिए, चूंकि ये सेक्स, ये दोनों क्या है, ये दोनों बीमारी ये सेक्स इंक्रीसेस की है, तो अगर हम बात करें ह्यूमन में, मानव में, तो दो तरह के ह्यूमन लिंग्स हो गए ना, एक मेल और एक फीमेल। तो आप देखिएगा कि मेल में दो ही सेक्स कंडीशन बनता है, जैसे अगर ऐसा रहे एक्स वाई, अगर ये एक्स वाई रहे तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल, क्या सामान्य पुरुष मेल, कोई दिक्कत, ठीक। अब एक और बात, ये जो लिंग संलग्न जो रोग हम बताए दोनों का, तो ध्यान लिख रखिएगा, ये लिंग जो गुण सूत्र है दो तरह एक्स वाई, तो ये किससे जुड़ा हुआ बीमारी है, ये एक्स लिंग जो एक्स एक्स लिंग वाई से नहीं, जो वाई तुम जो मेल में पाया तब से नहीं, इसे कहते हैं सेक्स लिंग रिसेसिव डिजीज, लिंग सहलग्न अपराधी लक्षण। तो लिंग में किससे एक्स लिंग रिसेसिव ट्रेट निकाल सकते हैं, एक्स लिंग रिसेसिव ट्रेट, ट्रेट मतलब लक्षण, एक्स गुणसूत्र से जुड़ा हुआ अपराधी लक्षण, एक्स गुणसूत्र से जुड़ा हुआ अपराधी लक्षण, कौन कौन, पहला और दूसरा, एक्स गुणसूत्र से जुड़ा हुआ अपराधी लक्षण, एक्स वाई है तो नॉर्मल में, अगर इसी को हम इस ढंग से लिखते हैं एक्स सी वाई, या इसको ऐसे करते हैं एक्स एच वाई, ये जो मेल होगा ये नॉर्मल नहीं है, अब ये कैसा मेल हो गया, ये आपका मेल हो गया एबनॉर्मल, असामान्य हो गया, एबनॉर्मल क्या हो गया मेल, कैसे भाई, यहां देखिए ये इसके एक्स क्रोमोसोम के साथ सी जुड़ा हुआ है, मतलब एक ऐसा इसमें आप कह सकते हैं कि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गया, मतलब ये ऐसा कंडीशन हो गया जिसमें एक्स जो क्रोमोसोम है, जो एक्स नामक सेक्स क्रोमोसोम है, वो अफेक्टेड है, क्या है, प्रभावित है, और इस अफेक्टेड प्रभावित के चलते मानव में
कलर ब्लाइंडनेस आ जाता है, जिसे वो ब्लू और ग्रीन में खास दो कलर के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, उसी तरह से यह जो कंडीशन है, यह जो कंडीशन है आपका, ये भी असामान्य नर हो गया, कारण कि इसमें भी आप देख रहे हैं एक्स के ऊपर में स्मॉल एस लिखे हैं, यानी कि इसका भी जो एक्स क्रोमोसोम है वो प्रभावित है, और उस प्रभाव के चलते मानव में हीमोफीलिया बीमारी हो जाएगा। तो दो ही कंडीशन मिलेंगे नर में, मानव नर में, मानव या तो नॉर्मल होगा या वह एबनॉर्मल होगा। ध्यान देना है कि अनुवांशिक बीमारी के जो जो बीमारी जो अनुवांशिक विकार एक्स लिंक रिसेसिवेट होते हैं या सेक्स लिंक रिसेसिवेट हैं, स्पेशली एक्स लिंक रिसेसिवेट, क्योंकि सेक्स लिंक रिसेसिवेट तो वाई वाला ही हो सकता है, तो आप यहाँ ऐसे कहें कि जो एक्स लिंक यानी कि एक्स सेक्स क्रोमोसोम से लिंक जो अनुवांशिक बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस हेमोफीलिया, उससे संदर्भ में, उसके संदर्भ में नर मानव नर में दो ही स्थिति पाई जाती है, या वो तो सामान्य होगा नॉर्मल, अदरवाइज वो असामान्य होगा, इस रोग से ग्रसित होगा। अब हम बात करते हैं मादा का, ये हो गया नर के बाद। मादा में देखिएगा कि तीन कंडीशन देखने को मिलेगा, एक्स एक्स जब रहेगा, एक्स एक्स रहेगा जब सेक्स क्रोमोसोम या जो डुअल एक साथ रहेगा, ठीक है, तो ये मादा नॉर्मल होगी। क्या होगी? नॉर्मल फीमेल, सामान्य मादा, कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत। अगर ये कंडीशन हो एक्स सी या इसको ऐसे कर दें, यह जो मादा है वो सामान्य होगी देखने में, उसकी बीमारी नहीं होगा, सामान्य होगी उसको वह बीमारी नहीं होगा, लेकिन वह एक खास विकार के फैक्टर को कैरी कर रही है, ढो रही है। यहां एक्स के ऊपर उसी लिखे हैं, यानी यह जो मादा है वो क्या कैरी कर रही है, वो कलर ब्लाइंड, इसका जीन अफेक्टेड है एक, और अफेक्टेड जीन के चलते उसमें कलर ब्लाइंडनेस उसमें तो नहीं होगा, उसका एक एक्स नॉर्मल है, वो प्रभाव ही होगी, उसमें कलर ब्लाइंडनेस प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन इसको हम सामान्य भी नहीं कहेंगे, भले देखने में सामान्य हो, क्योंकि यह इस कलर ब्लाइंडनेस के फैक्टर को कैरी कर रही है, और फिर यहां हम देख रहे हैं यहां भी ये जो महिला होगी वो सामान्य होगी, तो ये ऐसा स्थिति में महिला क्या होगी बाबू, सामान्य होगी देखने में, उसमें वो बीमारी नहीं होगा, लेकिन उसको हम पूर्ण रूप से सामान्य नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके वो भी हीमोफीलिया रोग के फैक्टर को ढो रही है, उसके उसका भी एक जो एक्स सेक्स क्रोमोसोम है उसका अफेक्टेड है, जिससे हीमोफीलिया रोग हो सकता है। ये ऐसे अगर कंडीशन में अगर मादा पाई जा रही है जिसका एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम प्रभावित हो, सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्रभावित हो, इसे हम कहते हैं कैरियर, क्या कहेंगे, कैरियर। कैरी करना मतलब ढोना, वहन करना, तो कैरियर मतलब हो गया वाहक, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वाहक या कैरियर फीमेल, काहे वाहक पर कहेंगे भाई, तो ये कलर ब्लाइंडनेस के फैक्टर को या हीमोफीलिया के फैक्टर को कैरी कर रही है, इसको तो बीमारी नहीं है लेकिन कैरी कर रही है। और जब ऐसे मादा का शादी किसी सामान्य पुरुष के साथ होगा, ऐसे मादा का शादी, ऐसे जीनोटाइप वाले मादा का शादी किसी जब सामान्य पुरुष से होगा, तो 50% चांस रहेगा कि उनके जो बच्चे होंगे उसमें मेल चाइल्ड मादा नहीं, ऐसे महिला का शादी जब किसी सामान्य पुरुष से होगा तो उसमें जो उनके जो बच्चे होंगे उसमें जो मेल चाइल्ड होगा, नर जो संतति होगा, उसका इस रोग से
करल माइनस या एम्पियर उसे दर्शित होने का संभावना 50% रहेगा। इनके द्वारा अगर सामान्य पुरुष से शादी किया जाए तो फिर बच्ची को बीमारी नहीं होगा, बच्चा का बच्चा को बीमारी होने की संभावना कितनी परसेंट रहेगी? 50%। कैसे? थोड़ा दिवाल सुनो, देख लेते हैं, याद रखिएगा। तो एक कंडीशन हो गया नॉर्मल माना या सामान्य माना, दूसरा कंडीशन ये हो गया, तीसरा कंडीशन लीजिए जिसको कहेंगे इस तरह से, ऐसे कर सकते हैं, अगर ऐसा कंडीशन है कि दोनों एक्स क्रोमोसोम प्रभावित है, अब देख रहे हैं इस कलर बैलेंस वाला फैक्टर है इस एक्स पर भी, इस एक्स पर भी, यहां भी इनोफिलिया वाला फैक्टर और यहां भी इनोफिलिया वाला फैक्टर, जब ऐसा कंडीशन हो तो इसको हम सामान्य नहीं कहेंगे, अब इसको कहेंगे हम एबनॉर्मल फीमेल। यानी कि जब किसी फीमेल के दोनों सेक्स क्रोमोसोम पर कलर बैलेंस वाला फैक्टर हो या दोनों सेक्स क्रोमोसोम पर हीमोफिलिया वाला फैक्टर हो, इस स्थिति में ही मादा जो है, मादा इसी स्थिति में एबनॉर्मल हो सकती है, असामान्य हो सकती है या इस रोग से ग्रसित हो सकती है। तो दो कंडीशन हो गया, नर या तो सामान्य या असामान्य, लेकिन मादा का तीन कंडीशन हो गया, सामान्य, वाहक और असामान्य। तो मादा कह रहा है कि मादा जो है दोनों तरह के रोग से मादा की ग्रसित होने की संभावना बहुत कम होता है, नर जनरली जो है नर संतति या नर इस रोग से ज्यादा ग्रसित मिलेंगे, मादा बहुत कम मिलती है। क्योंकि मादा के साथ कंडीशन है कि मादा तभी ग्रसित होगी जब उसके फादर उस रोग से ग्रसित हो। किस रोग से? इस दोनों में से किसी रोग से फादर ग्रसित हो, फादर का ग्रसित होना जरूरी है मादा में रोग होने के लिए, और मम्मी भी, उसकी जो मदर है वो भी इस रोग से, या इस रोग की या तो वाहक हो या इस रोग से ग्रसित हो। समझ आ रहा है? मादा जनरली इस रोग से जल्दी आपको ग्रसित नहीं मिलेगी, नर ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि नर का होने का चांस तब हो जाता है फादर सामान्य हो और माँ भले देखने में सामान्य हो, अगर ऐसा वाला स्थिति ढो रही है, अगर माँ वाहक हो उसमें वह रोग नहीं हो लेकिन अगर उसके फैक्टर ढो रही हो, तो इनका अगर शादी कराया जाए, इस कैरियर फीमेल का शादी अगर हम सामान्य से करा दें, कैरियर फीमेल का शादी सामान्य पुरुष से करा दें, तो 50% चांस रहेगा कि इनसे जो बच्चे हो उसमें जो नर बच्चा होगा वो उस रोग का रोगी हो जाए। कारण यह है कि नर में तो एक ही एक्स है, तो यहां से एक्स दे भी करेगा, जब जायगोट बनेगा तो 50% चांस है। ठीक है, मादा क्यों इस रोग से जल्दी ग्रसित नहीं मिलती है? कि मादा तभी ग्रसित होगी जब उस मादा के फादर उस रोग से ग्रसित हो, मादा के फादर ऐसा होना चाहिए और मम्मी को भी इस दोनों में से कोई एक कंडीशन होना चाहिए। यानी कि जब ये एबनॉर्मल का शादी इससे हो या इससे हो, तभी जाकर के फीमेल, जब एबनॉर्मल मेल का शादी कैरियर फीमेल से या एबनॉर्मल फीमेल से हो, तभी जाकर के फीमेल जो है वो एबनॉर्मल। समझ में आ रहा है? जब एबनॉर्मल फादर हो, फादर इस रोग से ग्रसित हो और मदर इस रोग की रोगी हो या इस रोग की कैरियर हो, वाहक हो, तभी जाकर के मादा इस रोग से ग्रसित हो सकती है अथवा मादा जल्दी ग्रसित नहीं होती है। ठीक है, इसको हम लोग अब अगले क्लास में थोड़ा इस पर हम लोग कुछ इंटीग्रेशन देख लेंगे, समझ में आ जाएगा।